दोस्तों, रात की रोटी को डस्टबिन में फेंकने की काफी पुरानी प्रथा है। हमारे घर और मोहल्ले में रोजाना बासी रोटी या तो जानवरों को डाल दी जाती है या फिर उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बासी रोटी खाने से हमारी कई शारीरिक समस्याएं भी दूर होती हैं? तो आइए जानते हैं कि आखिर बासी रोटी खाने से हमारे शरीर को किस तरह के फायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, शरीर की सूजन। डायबिटीज के मरीजों के लिए बासी रोटी काफी फायदेमंद होती है। रोज सुबह दूध के साथ बासी रोटी खाने से आपके शरीर में शुगर का लेवल ठीक रहता है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए। ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए भी बासी रोटी खाना काफी लाभकारी होता है। सुबह के वक्त ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 3, एसिडिटी। पेट की समस्याओं जैसे एसिडिटी और कब्ज से जूझ रहे लोगों को भी बासी रोटी से राहत मिल सकती है। सुबह दूध के साथ इसका सेवन करने से आप एसिडिटी और कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं। नंबर 4, सेहत। बहुत कम लोगों को यह बात मालूम होगी कि जिम जाने वाले लोगों के लिए भी बासी रोटी फायदेमंद होती है। जिम में मसल्स गेन करने वालों के लिए भी बासी रोटी के कई फायदे होते हैं। दोस्तों, ताजी रोटी की अपेक्षा बासी रोटी अधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि लंबे समय तक रखे रहने के कारण इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वे सेहत बनाने में लाभकारी होते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि रोटी 12 से लेकर 16 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।